शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से देखिए मैंने थाई पोर्शन अलग किया हुआ है, उसके बाद यहाँ से मैंने ये पीस अलग किया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ से थाई पोर्शन अलग कीजिए और यहाँ से यहाँ तक मैंने ये लिया है 11 इंच पे ये मैंने पीस कट किया हुआ, इसी से हमारा बैग बनेगा। तो ये हमें पीस कट करना है इसमें से, साइड पे कीजिए। और हमें क्या चाहिए, जो बैक साइड में पॉकेट होती है उसमें हाफ हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ के इस तरीके से मैंने पॉकेट कट किया हुआ है 2। और हमें क्या चाहिए इस बैग को बनाने के लिए, इस तरीके से ये जो लूप इसमें लगे हुए हैं, इस लूप को आप उधेड़ लीजिए, इसकी सीम को यहाँ से मैंने उधेड़ लिया है तो यहाँ से भी हम इसे उधेड़ लेंगे। तो इस तरीके के हमें 2 लूप्स चाहिए। और जो ये काज वाला पोर्शन होता है यहाँ से आपको पट्टी कटिंग करनी है। ये जो उधेड़ी है देखिए, मैंने इसकी सीम उधेड़ी हुई है थोड़ी सी, अब यहाँ पे उधेड़नी है पूरी। तो इस तरीके से पट्टी, यहाँ से इसकी सीम को उधेड़ के आपको ये वाली पट्टी चाहिए। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है, ये है अप्रॉक्सीमेट 9.5 इंच की ये पट्टी है। तो इस तरीके के 2 लूप्स और ये वाली पट्टी हमें चाहिए। तो ये उधेड़ लीजिए और ये उधेड़िए, ये देखिए ये मैंने बेल्ट वाला पीस यहाँ से नीचे से इसकी सीम उधेड़ ली और ये मैंने 2 लूप भी इसमें से निकाल लिए जीन्स में से। और हमें क्या चाहिए, ये जो बटन लगा हुआ है इसे भी यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग कर लिया यहाँ से, तो बस यही चाहिए। तो चलिए हम अपना बैग बनाना शुरू करते। सबसे पहले हम इसके लिए लाइनिंग कट कर लेते हैं। तो कोई भी कपड़ा पड़ा हो आपके पास, इस तरीके से फोल्ड किया और इसे इसके ऊपर रखिए, इसके बराबर चाहिए हमें। ये रखा लाइनिंग के ऊपर कपड़ा, अब हम इस पर निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से ये बंद है, इसमें सिलने के लिए थोड़ा सा मार्जिन रख लीजिए ताकि स्टिच करने के बाद इसके बराबर हो। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लीजिए, ये मैंने कटिंग कर लिया तो ये कट हो गया, लाइनिंग कट हो गई। अब पहले 2 मिनट इसे साइड पे रखिए, इसमें हम पॉकेट लगा लेते हैं। तो ये इस तरीके से लिया, ये डबल पीस मैंने सेम पॉकेट के लिए लिया है, ये रखा, इसके ऊपर पॉकेट के लिए मैंने सेम डबल पीस लिया है इस तरीके से। सेम इसी को रख के काटा है, बस इसकी लंबाई थोड़ी कम की हुई है, सेम इसी के साइज़ का है। और इसकी लंबाई मैंने ली है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ से डबल है, इसकी लंबाई मैंने ली है 7 इंच। तो आपको करना क्या है, ये खोलिए इस तरीके से, ये पॉकेट ली, इसे यहाँ पे रखिए एक तरफ, यहाँ पे रखा, यहाँ से फोल्ड कीजिए इस तरफ से, यहाँ से फोल्ड कीजिए इस तरफ से। पॉकेट का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से रखा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इसने इसमें पॉकेट स्टिच कर दी। अब इसे फोल्ड कीजिए इस तरीके से अंदर की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका कॉर्नर बना लीजिए, यहाँ से इसे फोल्ड किया, यहाँ से ऐसे किया और यहाँ से अप्रॉक्सीमेट आपको लेना है 1 इंच, 1 इंच पर निशान लगाया इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ से भी, यहाँ से इसे फ्लैट बिठाइए, यहाँ से 1 इंच पे और इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से यहाँ भी सिलाई लगा ली और यहाँ भी सिलाई लगा ली इस तरफ भी। तो दोनों कॉर्नर बन गए। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से जीन्स वाला पीस लीजिए, इसे दूसरी तरफ फोल्ड कीजिए, साइडों से सिलाई लगी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके भी कॉर्नर बना लीजिए वैसे ही, सेम वैसे ही यहाँ से यहाँ तक किया, यहाँ से फिर 1 इंच जैसे हमने लाइनिंग वाले पे बनाए थे, 1 इंच यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और सेम ऐसे ही ये वाला साइड वाला कॉर्नर, यहाँ से 1 इंच यहाँ सिलाई लगा लीजिए, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ सिलाई मैंने सिलाई लगा ली, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब दो ये भी हमारा रेडी हो गया, 2 मिनट इसे भी साइड पे रखिए। अब हम पहले इसका फ्लैप रेडी करते हैं। तो जो हमने पॉकेट कटिंग की थी इसे हम फिनिश करेंगे। उसके लिए क्या करना है, कपड़ा लिया, कपड़े के ऊपर पॉकेट रखी इस तरीके से,
इसे ड्रॉ कीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। ये मैंने ड्रॉ किया, इसकी कटिंग, ये मैंने कटिंग कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये रखा, इसके ऊपर जो लाइनिंग वाला पीस कटिंग किया है इस तरीके से, नीचे लाइनिंग और उसको फेस करते हुए नीचे लाइनिंग रखी, उसके ऊपर पॉकेट रखी इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक। अब इस पर छोटे छोटे नोचेस लगा लीजिए ताकि ईजिली टर्न हो जाए। सारे नोचेस लगा लीजिए, नोचेस लगा लिए, अब इसे सीधा टर्न कर लीजिए। तो ये हमारा फ्लैप बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपको आगे क्या करना है, अब हम इसमें लूप ज्वाइन करेंगे। तो लूप कैसे ज्वाइन करने हैं, सिर्फ ऊपर वाले के साथ। तो पहले निशान लगा लीजिए इस तरीके से, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अप्रॉक्सीमेट, ये इसके बीच में से जाएगी हमारी, ये हमारी स्ट्रिप इस तरीके से आएगी और एक लूप हमारा यहाँ लगेगा जैसे बेल्ट में नॉर्मल लगता है, और एक लूप हमारा यहाँ लगेगा इस तरीके से। और एक यहाँ ऐसे, तो मैं इस पर, ये मैंने लगा लिया, मैं इस पर निशान लगा लेती हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दो मिनट इसे निकाल दीजिए। लूप को हमें सिर्फ ऊपर वाली पॉकेट के ऊपर वाले पीस के साथ लगाना है, अगर सबके साथ लगाएंगे तो ये हमारी पॉकेट अंदर से बंद हो जाएगी, इसीलिए इसे ऐसे पकड़ेंगे और इस सिंपली सुई और धागे से हम इसे अटैच करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले पीस के साथ। नीचे वाले के साथ आपको ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ ये जो पॉकेट वाला है ऊपर वाला। तो इसे अच्छे से सुई और धागे से अटैच कर लीजिए दोनों लूप। छोटा छोटा स्टिच, ये सुई और धागे से अच्छे पक्के से मैंने ये लूप दोनों अटैच कर लिए। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से जो हमने बेल्ट वाला पोर्शन निकाला था वेस्ट वाला, ये यहाँ से साइड से हमने इसकी सीम उधेड़ी थी, तो यहाँ से ये खुला हुआ है। तो पहले हम इसे सुई और धागे से हल्का सा स्टिच कर, जो ओपन है सिंपली सुई और धागे से इसे स्टिच कर लीजिए यहाँ से अंदर अंदर, ताकि ये साइड से जो खुला हुआ है ये बंद हो जाए। साइड से उठाते हुए इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सुई और धागे से फिनिश कर, ये पूरा सुई और धागे से मैंने इसे पूरा प्रॉपरली फिनिश कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसे इसके बीच में से इंसर्ट कीजिए इस तरीके से, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ना है जहाँ पे ये काज शुरू हो रहा है, और यहाँ से छोड़ के ये अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल बराबर आ रही है। अगर आपकी ये बड़ी आ रही है तो इस टाइम से यहाँ से ऊपर से आप कट कर सकते हैं। यहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेट, ये मैंने इतनी नीचे ली है, अप्रॉक्सीमेट 1/3/4 इंच मैंने ये एक्स्ट्रा यहाँ पे रखी है, इसे यहाँ पे रखिए और इसे सिलाई मशीन से यहाँ से सिलाई से अटैच, देखिए यहाँ मैंने इसे सिलाई से अटैच कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने जीन्स वाला बनाया था पहले हम इसे इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इसे इस तरीके से यहाँ अंदर की तरफ डालिए ऐसे, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई से इसे अटैच कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसे सीधा खींचिए। इस तरीके से ये फ्लैप आ गया हमारा, और ये इस तरीके से अटैच हो गया। अब लाइनिंग वाला पीस लीजिए, लाइनिंग वाला पीस लिया, ये जो हमारा फिनिश्ड है इसे इसके अंदर डालिए,
पूरा अच्छे से बराबर, और यहाँ पे इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, चारों तरफ। मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली, चारों तरफ लगा ली। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो साइड सीम है यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी इतनी सीम उधेड़ लीजिए, जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। यहाँ से मैंने थोड़ी सी सीम उधेड़ ली, यहाँ से इसे पूरा बाहर निकाल लीजिए, बैक को पूरा सीधा कर लीजिए। ये मैंने इसे पूरा सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद यहाँ से जहाँ से हमने इसे सीधा किया है, यहाँ से जो थोड़ा सा हमने खोल के इसे सीधा किया था, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई मशीन से सिलाई लगा, मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे पूरा अंदर डाल दीजिए, बैक के अंदर कर दीजिए। तो ये फ्लैप के साथ इस तरीके से हमारा ये बैग रेडी हो गया। अब हम इसके लिए पहले स्ट्रैप बनाते हैं। लिए मैंने ये अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच, यहाँ से स्ट्रैप की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, जितनी लंबी आप रखना चाहें। यहाँ से फोल्ड किया, फिर एक और फोल्ड किया, और इसे सिलाई लगा लीजिए पूरा लंबा। ये देखिए सिलाई लगा के मैंने स्ट्रैप पूरी रेडी कर ली। ये कम था तो आप जोड़ भी डाल सकते हैं स्ट्रैप में। अब हमें क्या करना है, स्ट्रैप हम जोड़ेंगे। स्ट्रैप जोड़ने से पहले हम ये बटन जोड़ेंगे, जो हमने बटन कटिंग किया था ये हमारा यहाँ पर लगेगा नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसे हम सुई धागे से अच्छे से स्टिच करेंगे, क्योंकि ये थिक होता है तो आपकी मशीन नहीं लगेगी इसके ऊपर, आपको ये सुई धागे से ही अच्छे से टक करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन से भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्लैप के साथ जहाँ पे फिट आता है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे आएगा, ये बिल्कुल। तो मैं इस पर निशान लगा लेती हूँ यहाँ पर कि कहाँ पे ये लगना है, ये मैंने निशान लगा लिया। अब इसे सुई और धागे से अच्छे से मैं चारों तरफ से, चारों कॉर्नर से स्टिच कर दूंगी। तो अच्छे से बारीक बारीक सी हैमिंग करते हुए बिल्कुल इसे चारों तरफ से इसके साथ अटैच कर लिया। ये मैंने अटैच कर लिया, तो ये हमारा इसके साथ, यहाँ से हमारा इसके साथ क्लोज होगा इस तरीके से, ये हमारा फ्लैप आएगा। अब हम इसमें स्ट्रैप जोड़, एक स्ट्रैप यहाँ रखिए इस तरफ और एक स्ट्रैप इस तरफ यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आप चाहें तो इसे सिलाई मशीन से सिलाई कर सकते हैं, पर ये थोड़ा मोटा होता है तो सिलाई नहीं लगेगी, तो मैं इसे सुई और धागे से अच्छे से स्टिच कर लूँगा। तो इसको अंदर की तरफ से रखते हुए प्रॉपरली ऐसे सुई और धागे से अच्छे से स्टिच कर लीजिए। एक स्ट्रैप को इस तरफ और एक स्ट्रैप को दूसरी तरफ। देखिए मैंने दोनों स्ट्रैप जोड़ ली, बटन लगा लिया। तो इस तरीके से मेरा स्लिंग बैग बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया है।